इंस्टाग्राम रील्स पे अपनी ये वाला वीडियो तो देखा होगा, देखते थे इस तरह का ट्रांजेक्शन वाला फोटो वाला काफ़ी वायरल जा रहा है। तो इस तरह का वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और ये वाला वीडियो आपने रील्स पे भी देखा होगा और NSP पिक्चर का, वो काफ़ी क्रिएटर भी इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह का वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको 2 स्टेप में कुछ इसी तरह का वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर BN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं BN एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर फोटो ड्यूरेशन इसका कम कर लेना है। अगर आपका हाई रहेगा तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड के आसपास आपको रख लेना है। तो यहाँ पर मैं 10 सेकंड रख लिया हूँ। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर फिर से प्लस पर क्लिक कर लेना है, और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो अभी ऐड कर लेना है। तो पहले तो आपको कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेना है, कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला फ़ोटो मैं पहले ऐड कर लिया हूँ, और पीछे का वीडियो जो रहेगा इसे तो आपको डिलीट कर लेना है, और फोटो का ड्यूरेशन आपको हल्का सा बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको सॉन्ग ऐड कर लेना है। सॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार देख सकते सॉन्ग है, और एक बार मैं मार्क किया हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह का सॉन्ग बज रहा है देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बीट कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 सेकेंड के बाद आपको बीट कर लेना है। तो उसका तो मैं इतना दूर में फोटो के ये वाला फ़ोटो यहाँ तक रख लेता हूँ, और यहाँ से मैं कट कर लूँगा, और पीछे का जितना भी ये बच रहा है फ़ोटो इसे मैं डिलीट कर लूँगा। उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है, और अभी आपको फ़ोटो ऐड कर लेना है। एक ही बार आप जितना फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो आपको जो जो फ़ोटो ऐड करना है बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है, और यहाँ पर फ़ोटो आपका ऑटोमेटिक ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक ही बार ऐड कर रहा हूँ, अलग अलग फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार आपको भी अलग अलग फ़ोटो ऐड कर लेना है। करीब यहाँ पर 20 से 30 फ़ोटो तो चाहिए आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते मैं ज़्यादा फ़ोटो यहाँ पर 20-30 फ़ोटो तो ऐड कर ही लिया हूँ। आपको भी कुछ इस प्रकार ऐड कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं सॉन्ग हमारा अभी तक बच रहा है, तो इतना दूर ठीक है। तो कुछ इस प्रकार बस आपको ऐड कर लेना है, और आपको कुछ नहीं करना होगा। बस यहाँ पर आपको रील्स वाला साइज सेलेक्ट कर लेना है, और आप चाहें तो यहाँ पर ये पहला वाला फ़ोटो में आ जाना है, और यहाँ पर जूम पे आके आपको जूम स्लाइड वाला दे देना है, और इस फोटो का हल्का सा इधर आपको स्लाइड कर लेना है, और आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बस एक्सपोर्ट कर लेना है, आपको जिस भी साइज में एक्सपोर्ट करना है कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का वीडियो आप काफ़ी इजी तरीके से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। तो ऐसे ही मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।